सरहद पार पाकिस्तान के सरपरस्ती में पल रहे आतंकी ना सिर्फ भारत के लिए नासूर बने हुए हैं, बल्कि दुनिया का हर देश इन दहशतगर्दों के आतंक की जद में है। आतंकवाद का समर्थन करने पर भारत पाकिस्तान का लगातार विरोध करता आ रहा है और अब अमेरिका ने भी इन्हीं हरकतों के लिए पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। अमेरिकी सांसदों ने पाक को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगाने की मांग की है। ट्रंप प्रशासन से पाक को दी जाने वाली सैन्य मदद रोकने की वकालत के साथ ही सांसदों ने पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार ना बेचने की भी बात कही है। कांग्रेस सांसदों ने संसद में कहा कि हम पाक को हथियार मुहैया करा रहे हैं और वह हमारे हथियारों से अमेरिकी नागरिकों की हत्या कर रहा है। अमेरिका के दो शीर्ष सांसद डाना रोहराबाचेर और टेड पो ने समक्ष सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया। रोहराबाचेर ने पाकिस्तान पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए उसकी सैन्य सहायता में कटौती का प्रस्ताव दिया, साथ ही पाक के लिए अमेरिकी हथियारों को हासिल करना मुश्किल करने की मांग रखी। सांसद रोहराबाचेर ने कहा, हमें बखूबी मालूम है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाक ने क्या किया है। उन्होंने ओसामा बिन लादेन का ठिकाना बताने वाले डॉक्टर अफरीदी को जेल में डाल दिया। सांसद ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान नहीं बल्कि इजिप्ट जैसे को सैन्य मदद उपलब्ध करानी चाहिए जो इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स सब कमेटी के चेयरमैन टेड पो ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खात्मे को लेकर पाकिस्तान को सालों तक आर्थिक मदद मुहैया कराता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने उसका गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर हमेशा दोहरा मापदंड अपनाया है। एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंक के खात्मे की बातें करता है, वहीं दूसरी तरफ आतंक का समर्थन कर दुनिया के लिए मुश्किलें खड़ी करता है। पाकिस्तान के इसी रवैये के लिए अमेरिकी सांसदों ने पाक को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती की मांग की है। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वाकई ये पाकिस्तान की हरकतों के लिए बड़ा झटका साबित होगा। देखते रहिए डीबी लाइव।